दोस्तों अभी इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन एक साथ लॉन्च हो गया है, जैसे कि Vivo V15 Pro, उसका जो 6GB 128GB और 29,000 रुपीस में इंडिया में लॉन्च किया है। Oppo F11 Pro का जो 6GB 64GB 25,000 रुपीस में इंडिया में लॉन्च किया है और Redmi Note 7 Pro का जो 6GB 128GB और 17,000 रुपीस में इंडिया में लॉन्च किया है। और बहुत सारे लोग इन तीनों स्मार्टफोन को लेकर कंफ्यूजन में है क्योंकि इन तीनों स्मार्टफोन में लगभग सेम स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है। तो आज इस वीडियो में इन तीनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल्स कंपैरिजन करूंगा और उसके साथ मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि आपको कौन सा स्मार्टफोन के पास जाना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस वीडियो की लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का, उम्मीद है आप लोग पूरे कर दोगे। दोस्तों बात करते हैं पहले बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। Redmi Note 7 Pro में आपको बैक साइड की तरफ ग्लास बैक दिया है, ड्यूअल टोन कलर देखने को मिलता है एंड फ्रंट साइड में वाटर ड्रॉप नॉच या यू कट नॉच देखने को मिलता है। Oppo एंड Vivo में बैक साइड की तरफ पॉली कार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन गाइस एक शाइनी एक ग्लॉसी लुक देता है एंड फ्रंट साइड में दोनों फोन में ही आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलता है, ना ही कोई नॉच है और ना ही तो कोई बेजल्स दिया गया है। इसका जो सेल्फी कैमरा है Vivo एंड Oppo का वो पॉपअप सेल्फी कैमरा है। दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। Redmi Note 7 Pro में आपको 6.3 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहाँ पे Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन भी दिया है आगे की तरफ एंड पीछे की तरफ, तो काफी अच्छी बात है। Oppo F11 Pro में आपको देखने को मिल जाएगा 6.5 इंच का FHD+ LTPS IPS LCD डिस्प्ले और Vivo V15 Pro में दिया गया है 6.39 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा Vivo V15 Pro में क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। Redmi Note 7 Pro एंड Vivo V15 Pro में आपको सेम चिपसेट Qualcomm Snapdragon 675 चिपसेट देखने को मिलता है जो कि एक ऑक्टाकोर चिपसेट है, 2 कोर रन करता है 2.0 GHz में Creo 460 के साथ एंड 6 कोर रन करता है 1.7 GHz में Creo 460 के साथ। इसका जो GPU है Adreno 612 GPU यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा और Qualcomm Snapdragon 675 चिपसेट 11 नैनोमीटर में बेस्ट है यानी कि काफी पावर एफिशिएंट भी होगा। Oppo F11 Pro में दिया गया है MediaTek का Helio P70 चिपसेट, ये भी अच्छा खासा चिपसेट है, 12 नैनोमीटर में बेस्ट है, ऑक्टाकोर चिपसेट है, 4 कोर रन करता है 2.1 GHz में Cortex A73 के साथ एंड 4 कोर रन करता है 2.0 GHz में Cortex A53 के साथ। यहां पे जो GPU है Mali G72 MP3 GPU, गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा Redmi एंड Vivo में क्योंकि Oppo में जो चिपसेट दिया है इससे काफी गुना पावरफुल चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 675 चिपसेट। बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो गाइस इन तीनों स्मार्टफोन का कैमरा सबसे ज्यादा हाइलाइटेड है क्योंकि Redmi Note 7 Pro में आपको बैक साइड की तरफ 48+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा दिया है जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर 1.8 एपर्चर के साथ आता है और गाइस जो 5 मेगापिक्सल का सेंसर और 2.4 एपर्चर के साथ आता है, साथ ही साथ ड्यूअल LED फ्लैश भी दिया है बैक साइड की तरफ। Oppo में देखने को मिल जाएगा 48+5 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा, यहाँ पे भी जो 48 मेगापिक्सल का सेंसर ये भी 1.8 एपर्चर के साथ आता है, लेकिन गाइस Vivo में आपको बैक साइड की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा दिया है जो प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का वो आता है 1.8 एपर्चर के साथ, जो सेकेंडरी सेंसर 8 मेगापिक्सल का 2.2 एपर्चर के साथ आता है, अल्ट्रा वाइड लेंस है, और गाइस जो थर्ड सेंसर 2.4 एपर्चर के साथ आता है डेप्थ सेंसिंग के लिए। बात करते हैं सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहाँ पे भी बिल्कुल विनर रहता है Vivo क्योंकि यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया है और Oppo में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, Redmi में दिया है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी में बिल्कुल विनर रहता है Vivo, उसके बाद Oppo एंड उसके बाद Redmi। बात करते हैं बैटरीज के बारे में। Oppo में दिया गया है 4000 mAh की बैटरी, साथ ही साथ हुक चार्जिंग 3.0 सपोर्टेड दिया है, आउट ऑफ बॉक्स
आपको फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन गाइस यहाँ पे USB टाइप सी नहीं दिया है। Redmi Note 7 Pro में आपको देखने को मिलता है 4000 mAh की बैटरी, यहाँ पे USB टाइप सी है और यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। क्विक चार्ज फोर्स अपडेट दिया है, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड दिया है, लेकिन गाइस आउट ऑफ बॉक्स फास्ट चार्जर नहीं दिया है Redmi Note 7 Pro में। Vivo में दिया गया है 3700 mAh की बैटरी, लेकिन गाइस अब फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड दिया है, USB 2.0 के साथ आता है, 18 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया है साथ ही साथ। और Vivo यहाँ पे दावा करता है कि 15 मिनट्स में आपको 24% चार्ज करके दे देगा। तो यहाँ पे Vivo अच्छा काम किया है एंड तीनों फोन में ही आउट ऑफ बॉक्स आपको Android Pie का अपडेट मिलेगा। Redmi Note 7 Pro में आपको कस्टम UI MIUI 10 देखने को मिलता है और Oppo F11 Pro में आपको ColorOS 6.0 देखने को मिलता है एंड Vivo में देखने को मिलता है FunTouch 9 देखने को मिलता है। मुझे पर्सनली MIUI 10 अच्छा लगता है, आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताना। आप बात करते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन के पास जाना चाहिए। गाइस मैं एक ही स्मार्टफोन का नाम लूंगा, वो है Redmi Note 7 Pro, क्योंकि Vivo एंड Oppo में जो सारे स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है सेम स्पेसिफिकेशन आपको Redmi Note 7 Pro में देखने को मिलता है और उससे भी बेटर स्पेसिफिकेशन मिलता है। तो क्यों आप सेम स्पेसिफिकेशन के लिए 10,000 रुपीस एक्स्ट्रा प्राइस पे करोगे? तो मैं आपको Redmi Note 7 Pro को सजेस्ट करूंगा। ऐसे भी सबके राय अलग अलग होता है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि सबके राय अलग अलग होता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाल कलर को नीला कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना, उसके साथ शेयर तो मस्ट करना, कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक हमारे साथ बोलते रहिए भारत माता की जय।